हेलो एवरीवन, क्वेश्चन हमारा बेस्ड है मैक्सिमम मिनिमा पे। क्वेश्चन का स्टेटमेंट है फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स हुज सम इज 24 एंड उस प्रोडक्ट एज लार्ज एज पॉसिबल। आपको दो पॉजिटिव नंबर्स निकालने हैं जिनका सम आपको गिवन है कितना 24 एंड प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल, मतलब उनका प्रोडक्ट आपको मैक्सिमम प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लेट करते हैं, लेट एक्स एंड वाई बी द टू पॉजिटिव नंबर्स। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 24, ये हमें गिवन है ना, सम गिवन है हमें। तो यहाँ से y इज इक्वल टू हो गया 24 माइनस एक्स, ये हो गया इक्वेशन 1। उसके बाद प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को हमने p लेट कर लिया, ये अब आपके पास आ गया प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या होगा, x इंटू वाई। ये आपको क्या करना है, मैक्सिमम प्रूफ करना है, ठीक है जी। अब p इज इक्वल टू x, y की वैल्यू क्या है 24 माइनस एक्स बाई यूजिंग 1। तो p इज इक्वल टू आ गया 24x माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम इसका डायरेक्टली कर सकते हैं क्योंकि अभी सिर्फ एक ही वेरिएबल x में है, ठीक है। इसका डायरेक्टली करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। तो dp अपॉन में dx इज इक्वल टू 24, ऐसे x का डायरेक्टली 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x। अब पुट करेंगे dp by dx is equal to 0, यहाँ से 24 माइनस का 2x is equal to 0, माइनस का 2x is equal to minus 24, and x is equal to 12, x की वैल्यू 12 आ गई। अब इसको मेन इक्वेशन 1 पुट करेंगे तो y is equal to 24 माइनस का x, x की जगह पे 12, तो y भी आपके पास आ गया 12, ठीक है जी। अब आपको प्रोडक्ट को मैक्सिमम प्रूफ करना है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव का अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो डी स्क्वायर पी अपॉन में डी एक्स स्क्वायर आएगा, वो आ जाएगा 24 कांस्टेंट का 0, माइनस का 2 बाहर और x का डेरिवेटिव 1, ये आ गया माइनस का 2, मतलब लेस देन 0। इसका मतलब p इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 12 में, ठीक है जी। किसने यही बोला था फाइंड करने के लिए कि फाइंड टू पॉजिटिव नंबर। तो दोनों पॉजिटिव नंबर आपने निकाले जिनकी वैल्यू कितनी है 12 है, जिस पर आपका सम इनका 24 है, प्रोडक्ट इसका मैक्सिमम है, ठीक है जी।